नमस्कार। खबरें 10 बुलेटिन सुनता सबने का स्वागत है। मैं हाँ सरबजीत कौर, सबने से पहले पेश न खास खास खबर। साबका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अखीरी संस्कार आज नवी दिल्ली किया गया पूरे राजकीय सम्मान करने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान की हटाने की दे दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर दफा 144 लागू किए जाने के त्रीय रोज आज जम्मू सने बख बख जिले स्थिति रमानदारी वाली आम जनजीवन हुआ सामान्य। खास खास खबर खबर तफसील करना है। साबका विदेश मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी दी वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज हुंदा खीरी संस्कार अज नवी दिल्ली दे लोधी शवदाह गृह च पूरे राजकीय सम्मान कन्ने करी दित्ता गया। इस मौके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सने कई केंद्रीय मंत्री ते होर ने राजनीतिक दलें दे वरिष्ठ नेता भी उत्थे मौजूद हे। सुषमा स्वराज हुंदा दिलै दा दौरा पौने करी कल राती नवी दिल्ली च काल होई गया। उह 60 बरें दियां हियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सूत्रे मुताबक बीजेपी नेता की कल राती तकरीबन 9:30 बजे अस्पताल आनिया गया जिथे उनका काल हो गया। सुरगवासी नेता का पार्थिव शरीर एम्स थमां पहले उनके घर आनिया गया ते मगरा अंतिम दर्शन लई भी बीजेपी मुख्यालय लेता गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें साबका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होरें गी अज्ज बड्डलै नमीं दिल्ली च उंदे घर जाइए श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह होरें भी सुरगवासी नेता की श्रद्धांजलि दिंदे होई उंदी मौत की राष्ट्र का बड़ा नुकसान दस्सिया। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी सने बख बख राजनीतिक दलें दे होरने नेताएं भी सुश्री स्वराज होरें गी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा की कार्रवाई बेमियादी समय लिए स्थगित कर दी गई है। एह्दे शा पहले अज राज्यसभा च साबका केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज होरें गी श्रद्धांजलि दी गई। अपने सोगी स्नेह च सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू होरें आखिया जे पिछले 4 दहाकें दे अपने जीवन च सुश्री सुषमा स्वराज सबने लिए एक आदर्श के रूप च सामने आई हैं। उन्हें आखिया जे उनकी मौत कन्ने राष्ट्र ने एक काबिल प्रशासक, एक प्रभावशाली सांसद ते जनता की आवाज की गुआई दिता है। मगरा उनकी आत्मा की शांति लिए सदन च 2 मिंटे का मौन भी रखा गया। अफगानिस्तान के साबका राष्ट्रपति हामिद करजाई ने साबका विदेश मंत्री उनके काल उपर बसोस प्रकट किया है। भारत ते फ्रांस के राजदूत अलैगजेंडर जैगलर ने सुषमा स्वराज हुंदे आसिया भारत फ्रांस संबंधे की मजबूत करने लिए दिते गए योगदान की सराहना की। कैनेडा के साबका प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी सुषमा की असाधारण नेता करार दिता। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने स्वराज हुंदी मौत उपर दुख से बसोस प्रकट करते हुए आख्या कि भारत मालदीव की दोस्ती की और मजबूत करने च सुषमा हुंदा बड़ा गै योगदान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधान मारिया फर्नैंडा एस्पिनोसा गैरसज ने साबका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। स्वराज ने विदेश मंत्री के अहदे पर रोंद हुए भारत की कूटनीति च एक दृढ़ता की भावना पैदा की। उन्हें ट्वीटर उपर भेजे गए स्नेह उपर भारतीय दी परेशानियों ते समस्याएं की फौरन दूर करने वाले नेता के तौर उपर चेता किया जाग। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने सुषमा स्वराज की महान लोकवादी नेता करार दिता। साबका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होरेंगी उंदे निवास उपर श्रद्धांजलि अर्पित करने परैंत सूर्य प्रकाश होरें आखे जे उंदी मृत्यु कन्ने बड़ी बड़ी खला पैदा होई गया है। खबरें दा एह बुलेटिन जारी है, पर पहले एक लोकी च नहीं ब्रेक। वादा किया था मैंने वादा किया था
वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार परतिए तुंदा स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने की मंजूरी दे देती है। इस संबंधा च अधिसूचना विधि ते न्याय मंत्रालय ने जारी की है। संसद की दोनों सदन च जम्मू कश्मीर च धारा 370 हटाए जाने के प्रस्ताव पारित होने परंत राष्ट्रपति होरें मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल होरें शोपियां च सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उन्हें पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह उन्दे कन्ने हालात उपर चर्चा भी की। इसके अलावा उन्हें मकामी लोगों कन्ने भी गलबात की। केंद्र सरकार आसिया जम्मू कश्मीर समा दफा 370 हटाए जाने पर सुरक्षा व्यवस्था की बनाए रखने लिए एहतियाती तौर पर इथे दफा 144 लागू कर दी गई है। दफा लागू होने के त्रीए ध्याड़े अज सामान्य जनजीवन वापस पटरी पर परतोंदा लब्बा दा। हालांकि सभी शिक्षा संस्थान अजे बंद न पर मती सारी दुकाना खुली गई हैं ते कई सारे दफ्तरें च भी अज सामान्य कामकाज शुरू हो गया। तोहीं कठुआ च भी आम जनजीवन सामान्य होआ करदा है। जिला मैजिस्ट्रेट डॉ राघव लंगर होरें लोकें की रमानदारी बनाई रखने की अपील की है। इसे चाली पुंछ दे जिला विकास कमिश्नर राहुल यादव ने सबने बसनीकें की शांति बनाई रखने की अपील की है ते आखे जो कुसा भी अफवाह पर यकीन नहीं करन। उत्थे गैर जोरी च भी त्रीए ध्याड़े स्थिति सामान्य हुंदी नजर आई, हालांकि किश इलाकें च प्रशासन आसिया पाबंदियां लागू रहियां। इसे चाली संसद आसिया दफा 370 के खात्मे के फैसले के लिए डोडा जिले के किश इलाकें के लोगों च रली मिली प्रतिक्रिया दिखने की लग पड़ी है। तोहीं रामबन च स्थिति कुल मिलाइए रमानदारी आली बनी दी है। जिले के किश इलाकें च पाबंदियां हटाई गई हैं ताजे लोग जरूरत का समान खरीदी सकन। केंद्र सरकार आसिया दफा 370 ते 35 दे खात्मे ते राज्य दे पुनर्गठन कानून बनाए जाने दे इतिहासिक फैसले दा पिछले त्रीए बने थमां कश्मीर थमां विस्थापित होए दे कश्मीरी पंडितें दिल खोलिए स्वागत कीता है। केंद्र दे इस फैसले कन्ने कश्मीरी विस्थापितें च एह धारणा और मजबूत होई गई है जे उन्हों आसानी कन्ने घाटी च वापसी करी सकगन ते जम्मू कश्मीर ते मुल्खै दे विकास दी मुख्य धारा च शामिल होइए बेहतर भविख बनाई सकगन। ये तो समझो आज हम 70 साल के बाद जेल से छूट गए हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापित जो है आज जम्मू के दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ये सिर्फ 370 की देन है, ये 35A की देन थी और आज हमें लग रहा है कि हम उन बेड़ियों से जो जकड़े हुए थे
आज हम बिल्कुल आजाद हो गए। हम नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का और भारत की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें अब आज जगी है कि हमारे लिए कि अब हम कश्मीर वापस जाएंगे अपनी धरती पर और अपनी धरती पर फिर से बैठेंगे। ये 30 साल का वनवास जो हमारे साथ हुआ तो ये खत्म होने वाला है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें जब तक हम अपने कश्मीर में अपनी धरती पे नहीं जाएंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा, क्योंकि दिल का सुकून तो है नहीं। खा तो पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिल का सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे है, हमारी अपनी जमीन वहाँ पे, अपना घर था वहाँ पे, वो छिन गया था। अब हमें थोड़ी सी आ जगी है सरकार मोदी से कि उन्होंने ये फैसला लेके बहुत अच्छा किया है। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि हम अपने देश वापस जाएंगे। हम यहाँ 370 हट गया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने ये निर्णय लिया जो 70 साल से कभी किसी ने नहीं लिया था, वो इन्होंने करके दिखाया। और जो राजनीति में जो बोल रहे थे कि 370 हटा के दिखाओ, लो भाई अब हटा दिया 370 मोदी जी ने, कर लो जो करना है। देख सकते हैं कि उम्मीद जगी है कि दोबारा हम अपने पुरखों की धरती पर जाएंगे, हमारी वो धरती फिर से आबाद होगी, कश्मीरियत, इंसानियत और हिंदुस्तानियत का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। अब जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ ही साथ गांदरबल में बहन माता खीर भवानी का दर्शन भी आसान होगा। जब डल झील के शिकारों में सिमटा समूचा हिंदुस्तान होगा तो वहां पर बौद्ध, हिंदू, मुसलमान और हर कोई वैदिक ऋचाओं और सूफियाना कलाम का वहां पर समवेत गान होगा। धमकी और जिहाद के नारों का सुर अब घाटी में मंद होगा। तिरंगा जलाने वाला अब सलाखों के पीछे बंद होगा। 370 अनुच्छेद से निकला अलगाववाद और आतंकवाद का जिन या तो बोतल में फिर से बंद होगा या फिर कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। और अब कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नारे के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का खींचा जाएगा विकास का एक नया खाका। कैमरा पर्सन सुशील शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश। दफा 370 दे खत्म होने पर पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों खुशी का माहौल है। दफा 370 दे खत्म होने पर इन्हें लोगों मोदी सरकार का दिली धन्यवाद किया है कि जो उनका मनना है जे उन इन्हें लोगों की भी नागरिकता के अधिकार थोई जागन। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के राज्य प्रधान लब्बा राम गांधी और आख्या जो 13-14 बने सवा ए संघर्ष करते आ कर देन। 5 अगस्त का ध्याड़ा उन्दे लिए स्वर्णिम दिवस के रूप च आया जिसे ता उम्र जश्न के तौर पर मनाया जाग। अब मोदी सरकार का जो फैसला आया 370 हटाने का, ये हमारे हित में है। हम पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जिसके कारण हमें नौकरी नहीं मिलती थी, पर अब इस फैसले से हमें बहुत राहत मिली है और हमें भी नौकरी मिलेगी, इससे हम बहुत खुश हैं। जब हमारे दादा पाकिस्तान से आए थे उनको रहने के लिए जगह भी नहीं देते थे, कह रहे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। अभी हमें खुशी हुई है कि मोदी सरकार ने हमें 370 तोड़ दी है, हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है, हमारे भाई बहन भी। अभी हम पढ़ते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें नौकरी मिलेगी, अभी हमें उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी। पनन कश्मीर ने एक पत्रकार सम्मेलन च आख्या जे केंद्र सरकार आसिया उन्दे 3 दहाके थमां चलारदे संघर्ष उपर गौर करने लई विस्थापित वर्ग खुश है। उन्हें आख्या जे पनन कश्मीर ने मुल्खाच ते मुल्खा थमां बाहर मुहिम चलाई दी ही जे दफा 370 ते 35 गी जम्मू कश्मीर थमां हटाना बड़ा जरूरी है। उन्हें सरकार दी इस गैं दा स्वागत कीता है। यूनियन टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए, इस बात का हम अभी भी समर्थन करते हैं, लेकिन जो अभी तक हुआ हम इससे बड़े संतुष्ट है। इस प्रदेश में उस गुलामी के तंत्र को खत्म करने का जो गुलामी पिछले 70 साल से चल रही थी, 1947 के बाद जम्मू कश्मीर ही एक प्रदेश रहा जो आजाद नहीं रहा। बात धारा 370 के खत्म होने के बाद और इस प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना के इसको भारत के साथ इंटीग्रेट करके आज भारत ने अपनी सिविलाइजेशनल धरोहर को भी रिक्लेम किया, इसलिए हम सब लोग बधाई के हकदार हैं। रेलवे अधिकारी आज गैर कश्मीरी मजूरे कामगारे लिए एक विशेष रेल का इंतजाम किया जिड़ी उधमपुर सवा बिहार दरभंगा लिए चलग।
गौरतलब है जो सैकड़ा कश्मीरी कामगार आज विशेष बसें रियासती सरकार से उपलब्ध करवाई गई गड्डियां राय आज उधमपुर पुजे। इस सभी मजूर कामगार वादी च बख बख काम रोजगार करा रहे। सरकार उधमपुर सवा बिहार की दरभंगा थार लिए अज रा 2 बजे एक और रेला का इंतजाम किया जी गैर कश्मीरी मजूरे कामगारें ले जाने लाई गई है। खबरें इस बुलेटिन च बस इना गया, दियो इजाजत, नमस्कार।